शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। इन किसानों को गेहूं फिर मालामाल बना सकता है। देश में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन दुनिया के चार बड़े देशों ने भारत से गेहूं देने का अनुरोध किया है। यदि केंद्र सरकार निर्यात पर प्रतिबंध शिथिल कर गेहूं एक्सपोर्ट करने का निर्णय लेती है तो इसका सर्वाधिक लाभ MSP के किसानों को ही होगा। खास बात यह है कि MP के गेहूं की विदेशों में सबसे ज्यादा डिमांड है और यही कारण है कि प्रदेश से इस साल गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। भोपाल के थोक व्यापारियों के अनुसार इंडोनेशिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन ने भारत सरकार से अपने अपने देशों में गेहूं भेजने के लिए अनुरोध किया है। इन चारों देशों से देश के द्वीपक्षीय व्यापारिक संबंध हैं। खास बात यह है कि सभी इस्लामिक देश हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सरकार उनका अनुरोध स्वीकार कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी गेहूं की घरेलू जरूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन करने की बात कही है। वहीं बीते 13 मई को देश ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि तब भी यह कहा था कि पड़ोसियों और जरूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात किया जाता रहेगा। हाल ही में इंडोनेशिया, बांग्लादेश समेत कुछ अन्य देशों को केंद्र सरकार ने 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी भी दी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब 12 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसके साथ ही प्रदेश के किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।